नमस्कार। आप सभी का अर्बन डेवलपमेंट जैसे इस महत्वपूर्ण विषय पर बजट वेबिनार में स्वागत है। साथियों, ये दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद हमारे देश में इक्का दुक्का ही प्लांट सिटी बने। आजादी के 75 वर्षों में देश में 75 नए और बड़े प्लांट सिटी बने होते तो आज भारत की तस्वीर कुछ और ही होती। लेकिन अब 21वीं सदी में जिस तरह भारत तेज गति से विकास कर रहा है, आने वाले समय में अनेकों नए शहर ये भारत की अनिवार्यता होने वाली है। ऐसे में भारत में अर्बन डेवलपमेंट के दो प्रमुख पक्ष हैं, नए शहरों का विकास और पुराने शहरों में पुरानी व्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण। इसी विजन को सामने रखते हुए हमारी सरकार ने हर बजट में अर्बन डेवलपमेंट को बहुत महत्व दिया है। इस बजट में अर्बन प्लानिंग के मानकों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव भी तय किया गया है। मुझे विश्वास है इससे देश में प्लान और व्यवस्थित शहरीकरण की नई शुरुआत होगी, इसे गति मिलेगी। साथियों, आप सभी एक्सपर्ट जानते हैं कि अर्बन डेवलपमेंट में अर्बन प्लानिंग और अर्बन गवर्नेंस दोनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। शहरों की खराब प्लानिंग या प्लान बनने के बाद उसकी सही इंप्लीमेंट न होना हमारी विकास यात्रा के सामने बड़ी चुनौतियां पैदा कर सकता है। अर्बन प्लानिंग के तहत आने वाली स्पेशल प्लानिंग हो, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग हो, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग हो, वाटर मैनेजमेंट हो, इन सभी एरियाज में बहुत फोकस वे में काम करना जरूरी है। इस वेबिनार के अलग अलग सेशंस में आप तीन सवालों पर जरूर फोकस करें। पहला, राज्यों में अर्बन प्लानिंग इकोसिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में उपलब्ध एक्सपर्टाइज का अर्बन प्लानिंग में कैसे सही इस्तेमाल हो। तीसरा, ऐसे सेंटर ऑफ एक्सलेंसीज कैसे डेवलप किए जाएं जो अर्बन प्लानिंग को एक नए लेवल पर लेकर जाएं। सभी राज्य सरकारों को और अर्बन लोकल बॉडीज को एक बात हमेशा याद रखनी होगी, वे देश की विकसित बनाने में तभी अपना योगदान दे पाएंगे जब वो प्लान अर्बन एरियाज को तैयार करेंगे। हमें ये बात की बड़ी भली भांति समझनी होगी कि अमृत काल में अर्बन प्लानिंग ही हमारे शहरों का भाग्य निर्धारित करेगी और भारत के वेल प्लान शहर ही भारत के भाग्य को निर्धारित करेंगे। जब प्लानिंग बेहतर होगी तभी हमारे शहर क्लाइमेट रेजिलिएंट और वाटर सिक्योर भी बनेंगे। साथियों, इस वेबिनार में
अर्बन प्लानिंग और अर्बन गवर्नेंस के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे मेरा एक विशेष आग्रह है, आपको ज्यादा से ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज के बारे में सोचना चाहिए। जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लानिंग हो, अलग अलग तरह के प्लानिंग टूल्स का विकास हो, एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज हो, कैपेसिटी बिल्डिंग हो, हर एरिया में आपकी बड़ी भूमिका हो सकती है। आज अर्बन लोकल बॉडीज को आपके एक्सपर्टाइज की बहुत जरूरत है और यही जरूरत आपके लिए अनेक अवसर पैदा करने वाली है। साथियों, शहरों के विकास का एक इम्पोर्टेंट पिलर होता है ट्रांसपोर्ट प्लानिंग। हमारे शहरों की मोबिलिटी अनइंटरप्टेड होनी चाहिए। 2014 से पहले देश में मेट्रो कनेक्टिविटी की क्या स्थिति थी आप अच्छी तरह जानते हैं। हमारी सरकार ने कई शहरों में मेट्रो रेल पर काम किया है। आज हम मेट्रो नेटवर्क के मामले में कई देशों से आगे निकल चुके हैं। अब जरूरत है इस नेटवर्क को मजबूत करने की और फास्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की, और इसके लिए जरूरी है एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट प्लानिंग की। शहरों में सड़कों का चौड़ीकरण हो, ग्रीन मोबिलिटी हो, एलिवेटेड रोड्स हो, जंक्शन इंप्रूवमेंट हो, इन सभी कंपोनेंट्स को ट्रांसपोर्ट प्लानिंग का हिस्सा बनाना ही होगा। साथियों, आज भारत सर्कुलर इकोनॉमी को अर्बन डेवलपमेंट का बड़ा आधार बना रहा है। हमारे देश में हर दिन हजारों टन म्युनिसिपल वेस्ट पैदा होता है। इसमें बैटरी वेस्ट, इलेक्ट्रिकल वेस्ट, ऑटोमोबाइल वेस्ट और टायर्स जैसी चीजों से लेकर कंपोस्ट बनाने तक की चीजें होती हैं। 2014 में जहां देश में केवल 14-15% वेस्ट प्रोसेसिंग होती थी, वहीं आज 75% वेस्ट प्रोसेस हो रहा है। अगर ये पहले ही हो गया होता तो हमारे शहरों के किनारे कूड़े के पहाड़ों से ना भरे होते। आज वेस्ट की प्रोसेसिंग करके इन कूड़े के पहाड़ों से भी शहरों को मुक्त करने का काम किया जा रहा है। इसमें कई इंडस्ट्रीज के लिए रिसाइकलिंग और सर्कुलरिटी के ढेर सारे अवसर हैं। इस क्षेत्र में कई स्टार्टअप्स काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं। हमें इन्हें सपोर्ट करने की जरूरत है। इंडस्ट्री को वेस्ट मैनेजमेंट के पूरे पोटेंशियल को इस्तेमाल करना चाहिए। हमने अमृत योजना की सफलता के बाद शहरों में पीने के साफ पानी के लिए अमृत 2.0 उसको लॉन्च किया था। इस योजना के साथ अब हमें पानी और सीवेज के ट्रेडिशनल मॉडल से के आगे की प्लानिंग करनी ही होगी। आज कुछ शहरों में यूज्ड वाटर का ट्रीटमेंट करके उसे इंडस्ट्रियल यूज के लिए भेजा जा रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट के इस क्षेत्र में भी प्राइवेट सेक्टर के लिए अपार संभावनाएं बन रही है। साथियों, हमारे नए शहर कचरा मुक्त होने चाहिए, वाटर सिक्योर होने चाहिए और क्लाइमेट रेजिलिएंट होने चाहिए। इसके लिए हमें Tier 2 और Tier 3 शहरों में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग में निवेश बढ़ाना होगा। आर्किटेक्चर हो,
जीरो डिस्चार्ज मॉडल हो, एनर्जी की नेट पॉजिटिविटी हो, जमीन के इस्तेमाल में एफिशिएंसी हो, ट्रांजिट कॉरिडोर्स हो या पब्लिक सेवाओं में एआई का इस्तेमाल हो, आज समय है कि हम हमारी फ्यूचर सिटीज के लिए नई परिभाषा तय करें, नए पैरामीटर सेट करें। हमें देखना होगा कि अर्बन प्लानिंग में बच्चों का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं, बच्चों के खेलने कूदने की जगहों से लेकर साइकिल तक चलाने के लिए उनके पास अब पर्याप्त जगह है ही नहीं। अर्बन प्लानिंग में हमें इसका भी ध्यान रखना है। साथियों, शहरों के विकास के समय इस बात का भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि इसमें शहरी लोगों के विकास की भी संभावनाएं समाहित हो। यानी हम जो योजनाएं बना रहे हैं, नीतियां बना रहे हैं, वो शहरों के लोगों के जीवन तो आसान बनाए, उनके खुद के विकास में भी मदद करें। इस साल के बजट में पीएम आवास योजना के लिए करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च करने का कमिटमेंट किया गया है। जब भी कोई घर बनता है तो उसके साथ सीमेंट, स्टील, पेंट, फर्नीचर जैसे कई उद्योगों के व्यवसायों की गति मिलती है। आप कल्पना कर सकते हैं इससे कितने उद्योगों को कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा। आज शहरी विकास के क्षेत्र में फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत बढ़ गई है। हमारे स्टार्टअप्स को, इंडस्ट्री को इस दिशा में सोचने और तेजी से काम करने की आवश्यकता है। जो संभावनाएं मौजूद है हमें उनका भी लाभ लेना है और नई संभावनाओं को जन्म भी देना है। सस्टेनेबल हाउस टेक्नोलॉजी से लेकर के सस्टेनेबल सिटीज तक हमें नए सॉल्यूशंस खोजने हैं। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सब इन विषयों पर, इसके सिवाय भी बहुत सारे विषय हो सकते हैं, गंभीर विचार विमर्श करेंगे, इस विचार को आगे बढ़ाएंगे, संभावनाओं को साकार करने का परफेक्ट रोड मैप, रास्ता बताएंगे। इसी भावना के साथ आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।